नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले एक फैक्ट्री का नक्शा आया था और उस फैक्ट्री में उन्होंने पहले वास्तु कंसल्ट किया था किसी कंसल्टेंट से, उसकी भी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने जब वास्तु कंसल्ट किया तो उनको कोई मिल गया चकरा वाला कंसल्टेंट। आजकल बहुत ज़्यादा एक सेल्फ क्राफ्टेड वास्तु चल रहा है, चकरा जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस तरीके का वो चकरा दिखता है। ये आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे मैप्स पे चकरा लगा रहता है दोस्तों, कुछ इस टाइप का वो चकरा उस पे उनके फैक्ट्री के मैप पे लगा हुआ था और उस कंसल्टेंट ने वो फैक्ट्री बनवाई थी। वो नई फैक्ट्री डिजाइन हो रही थी और कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस फैक्ट्री की, और उस चकरा वाले कंसल्टेंट ने इस टाइप का कोई चकरा लगाया उस उनकी फैक्ट्री पे और आगे और पीछे का एरिया पहले तो खाली छोड़ दिया। जो इस चक्रा के बाहर रेक्टेंगुलर प्लॉट था उनका, रेक्टेंगुलर प्लॉट में बीच में तो ये चक्रा उसने लगा दिया और थोड़ा सा टिल्टेड थी डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन उसने एक जगह काट दी, नॉर्थ और ईस्ट एक जगह आ गया, साउथ और वेस्ट एक जगह काट दिया, और आगे और पीछे का जो बचा हुआ हिस्सा था प्लॉट का उसको उसने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उसने कहा ये अगर इस जगह पे या इस जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे इसको, चक्रा के बाहर अगर आपका फैक्ट्री का कोई भी पार्ट जाएगा, कोई भी हिस्सा जाएगा, कोई मशीनरी आपने इसके बाहर लगा दी, तो ये एक बहुत बड़ा दोष बनेगा। अब दोस्तों कोई बात नहीं, उन क्लाइंट ने उनको बोला ठीक है सर, आप जैसे मर्जी आप वैसे करिए और इस चक्रा के अंदर आप मेरी मशीनरी सेट करा दीजिए। ठीक है, अब क्लाइंट है उसको थोड़ा ना पता है कौन सा वास्तु ठीक है कौन सा वास्तु गलत है, वो सही वास्तु करा रहा है गलत करा रहा है। ये सेल्फ क्राफ्टेड वाले भाई साहब वहाँ पहुँच गए अपने चक्रा को लेके। आजकल चल ही रहा है फ्रॉड बहुत सारा वास्तु में, हर जगह आप देखेंगे 16 जोन, 32 एंट्रेंस, 4 पिलर, 5 पिलर, 6 पिलर, इस तरीके से हर वास्तु वाला एक अपनी अलग थ्योरी बना के बैठा है। और सबसे ज़्यादा तो इसका फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, अगर आपके भी किसी आर्किटेक्ट ने नक्शे के ऊपर ये इस तरीके का बना के दे दिया है, या आपके भी किसी कंसल्टेंट ने, वास्तु कंसल्टेंट ने ये बना के दे दिया है, रख के दे दिया है या लगा दिया है आपकी ड्राइंग पे कुछ कुछ इस टाइप का चक्कर, तो दोस्तों संभल जाइए, वहाँ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। खैर वो फैक्ट्री वालों ने, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप कंसल्टेंट हैं, जैसा आप बोलेंगे वैसे ही होगा। अब वो कंसल्टेंट भाई साहब ने उनको बताया कि ये यहाँ पर तो साउथ साउथ ईस्ट S2 S3 में आपकी फायर वाली मशीन आएगी। अब वो फायर वाली मशीन है 12 फुट की, मशीन का साइज ही 12 फुट है। अब S4 S5 ये जो भी निकल रहा है, S3 S4 जो भी निकल रहा था, ये निकल रहा था 8 फुट का ही। तो उसने कहा कि टेढ़ी करके आप मशीन लगाइए, जैसे इस चक्रा में आ रही है ना ऐसे करके टेढ़ी करके मशीन आएगी, आप सीधी मशीन नहीं लगाएंगे। दोस्तों क्लाइंट इतना सही इतना सीधा, उसने कहा जैसे आप बोलेंगे सर वैसे मशीन रीसेट करेंगे। दोस्तों उसने ऐसे चक्रा के अकॉर्डिंग ही सारी मशीनें सेट करा दी। वो फैक्ट्री का म्यूजियम ज़्यादा लग रही थी, कोई बात नहीं। उसके बाद भी वो क्लाइंट ने नहीं अपना पूल खोया और आगे उनसे कंसल्ट किया कि शायद कंसल्टेंट बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद वो चक्रा वाले कंसल्टेंट ने उनको बतानी शुरू करी रेमेडीज कि आपका प्लॉट का जो बार चार्ट मैंने क्रिएट करा, इसके बाद एक बार चार्ट भी बनाया जाता है दोस्तों, शायद आप इससे आपने कभी कंसल्ट किया होगा ऐसे फ्रॉड वास्तु चक्रा वाले से, तो आपने देखा होगा एक बार चार्ट भी बनता है। फिर उस कंसल्टेंट ने वो बार चार्ट निकाला कि ये आपकी फैक्ट्री का बार चार्ट है। अब वो क्लाइंट ने वहाँ पर, उस क्लाइंट ने अपना जो कूल था वो खो दिया। उन्होंने कहा कि सर आपने मेरी पूरी फैक्ट्री डिज़ाइन करी है। कंसल्टेंट ने कहा हाँ हाँ जी करी है, उसके मैंने आपकी हर बात मानी। क्लाइंट ने पूछा तो कंसल्टेंट ने कहा हाँ जी मानी, तो आप मेरे को रेमेडीज क्यों बता रहे हैं? अब आपने ये बार चार्ट बनाया है और आप मेरे को कह रहे हैं कि ये 1.5-2 लाख रुपए की रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी, आपको एक हंसों का जोड़ा रखना पड़ेगा, एक आपको तलवार लटकानी पड़ेगी, एक आपको चेसबोर्ड रखना पड़ेगा, और फैक्ट्री में तो ये सब चीज़ें मैं बकवास रख नहीं सकता।
और उसके बाद आपने मेरे को बोला कि अब आपकी एंट्री भी गलत है, बार चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एंट्री गलत आ रही है, ये चक्रा के हिसाब से एंट्री गलत आ रही है। अब आप जब कंसल्टेंट हैं तो आप मेरे को बता दीजिए कहाँ, मेरा तो इतना बड़ा प्लॉट है, मैं तो कहीं से भी एंट्री ले सकता हूँ, मेरे ऊपर तो कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट की। उसके बाद आप मेरे को बता रहे हैं कि हमें वर्चुअल एंट्री खोलनी पड़ेगी। दोस्तों ऐसा कोई रेमेडी नहीं होती वर्चुअल एंट्री। आजकल दोस्तों वास्तुशास्त्र में ये चक्रा का फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने भी कहीं ना कहीं, अगर आप कंसल्टेंट करते हैं, कंसल्टेशन आपने ली है या आप खुद कंसल्टेंट हैं वास्तु को, तो आपने भी देखा होगा ये चक्रा। दोस्तों ये एक सेल्फ क्राफ्टेड वास्तु, और ये वास्तु भी नहीं है दोस्तों, वास्तु में इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं कभी भी डिवाइड किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में। मैंने पहले भी शायद 20 वीडियोस बनाई हैं इसी फ्रॉड के ऊपर कि ये वास्तु नहीं है और ना ये टोटली फेंगशुई है। फेंगशुई में कुछ कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं मगर वो ये ना तो वास्तु है ना ये फेंगशुई, इसको आप वास्तु नहीं बोल सकते। ये एक सेल्फ क्राफ्टेड, किसी ने कुछ ईजाद कर दिया है जिसको वास्तु का नाम उसने दे दिया है, जो कि गलत कर रखा है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं, ऐसे चक्रा वाले के कंसल्टेंट के चक्कर में फंस गए हैं, तो आज ही संभल जाइए, क्योंकि आपके ऊपर आने वाला है रेमेडीज का बोझ। पहले वो आपके घर को बनाएंगे, फिर वो आपको कहेंगे कि आपके घर की एनर्जी कम है, और दोस्तों ये एनर्जी को भी बढ़ाते हैं और कम करते हैं। इस जोन को कम करना पड़ेगा, इस जोन को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे कभी नहीं होता, वास्तु में एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है बढ़ा के, ना कि घटा के। तो दोस्तों आप भी ऐसे चक्रा वाले कंसल्टेंट से बच के रहें, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही लोग होते हैं जो चक्रा वाले कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हमने तो वास्तु कराया था, हमें कोई इफेक्ट नहीं आया। दोस्तों वास्तु शास्त्र जब लिखा गया था उसमें ऐसे चक्रा का कोई विवरण नहीं है, ना ही वास्तु में कभी ये बताया गया कि ये वाली ईस्ट डायरेक्शन लीवर की है, ये सर्कुलेशन की है, ये आपकी गॉल ब्लैडर की है। साउथ ईस्ट में अगर कुछ भी समस्या होगी तो गॉल ब्लैडर खड़ा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, और आजकल ये चक्रा भी शायद 20 तरीके के बना लिए, सब अपने अपने अलग अलग बना के बैठे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फंस गए हैं ऐसे चक्रा के चक्कर में, आज ही निकल जाइए, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको। वो फैक्ट्री वाले बच गए, उन्होंने फैक्ट्री काफ़ी सेट कर ली थी और काफ़ी बची भी हुई थी, लगभग 40% काम ही उनका हुआ था तो वो बच गए, वरना आज वो भी रगड़े जाते और एक और फैक्ट्री बिना किसी वजह के बंद होती। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।